कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 31 प्राइवेट स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेज गायब। कार्यालय से डायरी व डिस्पैच रजिस्टर भी गायब। कई नामी स्कूलों का रिकॉर्ड भी कार्यालय से गायब। नए डीईओ ने कार्यभार संभालते ही चेक करने पर बहुत से दस्तावेज मिले गायब, तो पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट। बता दें कि यह मामला कैथल के डीईओ कार्यालय का है। किसी भी सरकारी कार्यालय से जरूरी कागजात गायब होने हो, और वो भी एक दो नहीं पूरे 31 फाइलों का गायब होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये किसी भी बड़ी मिली भगत की ओर इशारा भी करती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चल रही स्कूलों की मान्यता संबंधी जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। डीईओ कार्यालय में जिले में चल रहे 31 निजी स्कूलों का रिकॉर्ड ही नहीं है, वर्ष 22 सितंबर 2011 से पहले का पहली से आठवीं कक्षा का रिकॉर्ड भी लापता है। इतने वर्षों से विभाग लंबी चादर तानकर सोया हुआ था। नए जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया और पुलिस को 31 स्कूलों की सूची भेजकर रिकॉर्ड गुम होने बारी शिकायत दी। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अंधेर गर्दी का आलम यहां तक है कि इस कार्यालय में 16 नवंबर 2016 से पहले का डिस्पैच रजिस्टर और 7 सितंबर 2000 से पहले का डायरी रजिस्टर भी गायब है, जिसमें कार्यालय में आने जाने वाली डाक का विवरण दर्ज रहता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा इन रजिस्टरों के इर्द गिर्द ही बड़ा खेल खेला गया है। क्यों सोया था विभाग? विभाग के जिला कार्यालय से इतना महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, यहां तक कि डायरी और डिस्पैच रजिस्टर भी 3-4 साल पहले के लापता हैं। करीब 1.5 वर्ष पहले इसी कार्यालय द्वारा निजी स्कूलों के संबंध में जांच की गई थी। बड़ा सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण कागजात व रजिस्टर लापता हैं, तो अब तक विभाग क्यों सोया हुआ था? क्यों मामले में पहले पुलिस को सूचना नहीं दी गई? क्या संबंधित कर्मचारी जिसके पास रिकॉर्ड के संबंध में जिम्मेवारी थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? यदि है तो विभाग द्वारा आज तक संबंधित कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? रजिस्टर व कई नामी स्कूलों का रिकॉर्ड भी लापता होना बड़ी साजिश का हिस्सा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि शिक्षा विभाग के डिस्पैच व डायरी रजिस्टर लापता होने के साथ साथ कई नामी स्कूलों का रिकॉर्ड भी लापता है, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, ताकि उन स्कूलों का बचाव हो सके जो संदेह के घेरे में आते हैं। सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम वरुण जैन है, प्रदेश सचिव फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। सर, जैसा कि 31 स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की फाइल ऑफिस से गायब होना एक बहुत बड़ा विषय है, क्या मानते हैं? देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल के ऑफिस से 31 स्कूलों की जो मान्यता संबंधी जो पत्र हैं वो गायब हैं, जो बड़ा खेद का विषय है। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है कि इस विषय को बड़ा मान लिया गया है, क्योंकि उसमें 31 स्कूलों के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो 2000 पहले से मान्यता ले चुके हैं, 2003 से पहले मान्यता ले चुके हैं, और 2003 से पहले मान्यता डीएससी से हम लिया करते थे, तो इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता था, मान्यता से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता था वो हमारा डीएससी में जमा होता था। तो यहाँ पर हमारा जिला शिक्षा अधिकारी में तो कोई रिकॉर्ड रहता ही नहीं है, जो 2003 से पहले के स्कूल है, तो गुम कौन से रिकॉर्ड हो गए वो हमारी समझ से बाहर है। फिर भी अगर कोई रिकॉर्ड मिसप्लेस हुआ जिला हमारे जो भी ऑफिस है, तो वो स्कूलों से डिमांड करके मंगवा सकते थे। तो ऐसा जैसा कि एक दो रिकॉर्ड मिसप्लेस होना छोटी मोटी या ऐसी बात हो सके, लेकिन 31 स्कूलों का रिकॉर्ड मिस होना एक बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने बताया आपको कि अभी तक तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि जो रिकॉर्ड इनके पास है ही नहीं वो गुम कैसे हो गया। जब डीएससी से मान्यता हम 2003 से पहले स्कूल ले चुके हैं और उससे संबंधित फाइलें डीएससी में जमा होती है, तो वो रिकॉर्ड यहाँ तो जमा है ही नहीं है, तो गुम क्या हो गया? और अगर मान्यता से की कॉपी इन यहाँ से मिसप्लेस हो गई है, तो वो दोबारा डिमांड करके हमसे ले लें। तो जैसा कि एक
संगठन आके आज प्राइवेट स्कूल का डीओ साहब से मिला है, तो क्या डिमांड रखी है? सर डिमांड ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो पुराने स्कूल हैं, इसमें कुछ एक स्कूल ऐसा भी है जो पिछले 100 सालों से कैथल में अपनी सेवाएं दे रहा है, 100 सालों से अपनी कैथल में सेवा दे रहा है, उसका नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया और समाचार पत्र में प्रकाशित हो गया, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उस संस्थान के बारे में कुछ नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं, तो इस संदर्भ में हम जिला शिक्षा अधिकारी से मिल रहे हैं। तो सर जैसा कि पीछे एक लिस्ट आई थी कि इन स्कूलों की यानी जो चल रहे इनकी मान्यता रद्द की जाए, कुछ ऐसा हुआ था, क्या उसका फैक्टर देखते हुए भी रिकॉर्ड गायब करने का कुछ मिली नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है विभाग की तरफ से कि इनकी मान्यता रद्द की जाए। किस आधार पर मान्यता रद्द की जाएगी? ऐसी कोई भी लिस्ट आज तक भी नहीं आई है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं जो प्रचारित की जा रही है। अगर कोई लिस्ट है आपके पास है या हमारे ऑफिस के पास है जिला शिक्षा अधिकारी के, हमें प्रोवाइड करवाएं, और अगर लगता है कि किसी स्कूल में कुछ अनियमितताएं हैं तो विभाग के पास सभी अधिकार हैं कुछ भी करने के लिए। स्कूलों का जो रिकॉर्ड है वो डी ऑफिस से गायब हो गया है, कौन कौन से स्कूल हैं और कितने स्कूलों का रिकॉर्ड गायब है? मैंने जैसे यहाँ पर अभी पिछले सप्ताह एज डीओ ज्वाइन किया है, यहाँ करके जब देखा कि प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो हमारा डीलिंग था उससे जब रिकॉर्ड के बारे में पूरी जांच की गई तो ये पाया कि 31 स्कूलों की फाइलें मिसप्लेस थी, और उसमें 31 स्कूलों की फाइलों के साथ कुछ मतलब रजिस्टर हमारे जैसे मतलब डिस्पैच रजिस्टर वो भी मतलब गायब थे, तो इसलिए उसकी मैंने मतलब वो छानबीन करवा करके जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो पुलिस में मतलब उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो सर जैसा कि जो फाइलें गायब हुई हैं वो सरकारी स्कूलों की हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों की? हाँ। किस तरह की वो फाइलें हैं, सीक्रेट हैं या कुछ है? नहीं, वो प्राइवेट स्कूलों को जैसे मतलब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मान्यता दी जाती है तो उससे संबंधित फाइलें थी, और वो फाइलें यहाँ रिकॉर्ड में मौजूद नहीं पाई गई, इसलिए मतलब पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट और उसकी जांच के लिए लिखा गया। तो जैसा कि सर पिछले साल कुछ स्कूलों की लिस्ट आई थी मान्यता को लेकर, क्या उसके पीछे वो कारण भी हो सकता है? हाँ, मतलब उसकी हम जांच कर रहे हैं, एक सीएम विंडो भी लगी हुई है जिसमें मतलब स्कूलों की मान्यता के बारे में इसी तरह की बात है कि कुछ स्कूलों की मान्यता मतलब दायरे से बाहर जा करके पिछले समय में दी गई हैं, तो उसके बारे में भी हो सकता है उससे संबंधित हो, परंतु ये रिकॉर्ड में जो चीज़ें नहीं मिली उनकी हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो सर जैसा कि जांच का विषय तो अलग बात है, एक ऑफिस के दायरे की एक बात है कि एक दो स्कूल का रिकॉर्ड मिसप्लेस होना नज़रअंदाजी माना जा सकता है, लेकिन 31 स्कूलों का रिकॉर्ड मिसप्लेस होना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसके बारे में छानबीन चल रही है, जैसे भी मतलब जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा विभाग को। तो सर क्या ये जानबूझकर सोती समझी साजिश थी? इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक जांच चल रही है।